श्रीमान हरी चौधरी साहब। हरी चौधरी कांग्रेस पार्टी बाड़मेर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार भाई उमेदाराम बेनीवाल साहब, सम्मानित मंच प्रांगण में विराजे हुए हैं, हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता बुजुर्गों नौजवान साथी। आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव में बाड़मेर क्षेत्र से जो स्थितियां और परिस्थितियां बनी हुई है वो आप सब लोग देख। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने डूडी साहब से लेकर और कपूर अहमद जी तक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की कई बातें उन्होंने कही, स्थानीय बातें भी करी। और बाद में लोकसभा के चुनाव में जो हालात बने हुए हैं, स्थितियां बनी हुई है, उन सबको आपको समझने की आवश्यकता। जब से देश आजाद हुआ, लोकतंत्र की स्थापना हुई, हर 5 साल बाद में चुनाव होते आए, जिससे मतदाताओं की जिससे इच्छा होती है, जो ठीक लगता है उसको मत देता है और आगे बढ़ जाते हैं। मत देने का जो कारण पैमाना हर मत देने वाला मत दाता खुद तय करता है। बाड़मेर क्षेत्र के अंदर कुछ अलग ही परिस्थितियां बनी हुई। इन चुनावों के अंदर देश के अंदर जो हालात बने हुए थे, उन हालातों से मुकाबला करने के लिए जो किसान मजदूर पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के आवाजों को एक होने की आवश्यकता है। कितनी भी सामने बड़ी ताकत क्यों नहीं हुई, जिस दिन जहां पर लोग एक हुए हैं, बड़ी सी बड़ी ताकत को झुकना पड़ा। ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। आज हम लोग तमाम हम लोग जो यहां बैठे हैं, आज जहां तक हम लोग पहुंचे हैं उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो हम लोगों को खातेदारी का अधिकार, जो जमीन का मालिकाना हक हम लोगों को सरकार ने दिया, कांग्रेस की सरकार ने दिया, वो अलग बात है। कई लोग हम उसको भूल रहे हैं, कई लोग हम लोग उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। जो नियम और कानून से उस अपने जमीन का हक और अधिकार था, वो सरकार या कोई भी बड़ी कंपनी वो जमीन जिस दिन चाहती उस दिन अधिग्रहण कर लेती, और भूमि अधिकरण बिल में संशोधन करकर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जब यह फैसला हुआ कि वो जमीन का हक जो किसान को कांग्रेस पार्टी ने दिया, उसे अधिकरण का हक और अधिकार भी सरकार और बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास नहीं रहेगा, वो वापस किसानों को दिया गया, वो अलग बात है कि उसके बारे में हम लोग आज भी उस बात को समझ नहीं पा रहे। मोदी जी जैसे ही सरकार आज से 10 साल पहले बनाई, सबसे पहला प्रयास किया कि भूमि अधिग्रहण बिल को संशोधित करके जो किसानों के पास ताकत थी उसको वापस सरकार नहीं और सरकार वापस उन पूंजीपतियों को दे। पूरे हिंदुस्तान के किसान एकजुट हुए, एकजुट हुए तो उस समय भी मोदी जी को झुकना पड़ा। मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं आज से 10 साल पहले का जो घटनाक्रम हुआ नौजवान साथियों, उस वक्त का घटनाक्रम आज आप वापिस पता करो और खुद याद करो। किसान आंदोलन हुआ, उस किसान आंदोलन के अंदर किस तरह से वो किसी बिल की आवाज को कुचलने की कोशिश करी, सभी पूंजीपति ताकतों ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, सब लोगों ने मिलकर किसान के हक के ऊपर डाका डालने की कोशिश करी। देश के किसान जब एकजुट थे, लंबा संघर्ष था,
एक साल का संघर्ष ला, क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। अपन लोगों को आतंकवादी बनाया गया, अपन लोगों की हंसी उड़ाई गई। जींस पहनकर उस आंदोलन में खड़ा हुआ था नौजवान के लिए क्या क्या बात कह गई। गाजर की खील जब हम लोग खा रहे थे उस वक्त भी हम लोगों के लिए क्या क्या बातें करी गई, क्या क्या बात हम लोगों को जाति में बांटा गया, धर्म में बांटा गया, हर तरह के प्रयास किए गए। हिंदुस्तान का किसान एकजुट हुआ तो वो भी कृषि बिल को नरेंद्र मोदी जी ने माफी मांगकर वो कृषि बिल वापस दिया। वो अलग बात है कि आज नरेंद्र मोदी जी अपनी बात पर खड़े नहीं उतरे, बिल्कुल अलग बात है। जब तक हम लोग एकजुट है हम लोग आगे बढ़ते गए। इस 10 साल के अंदर भी जिस बात हम लोग एकजुट रहे, जिस बात पर रहे, जिस मुद्दे पर रहे, किसान जीता और सामने कैसी भी ताकत थी वो खारी। मैं उदाहरण के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये आप खुद इस बात का आकलन कर दो। अब बाड़मेर की राजनीतिक जो हालात बनी हुई है उन हालात के अंदर हमने चुनाव लड़े, हमारे पूर्वजों ने चुनाव लड़े, देश की आजादी के बाद में लगातार चुनाव लड़े। पहले चुनाव हम जीतने के लिए नहीं लड़ते थे, पहले चुनाव सिर्फ लड़ने के लिए लड़ते थे। अपनों की अपनी बात कैसे हम लोग उठा सके उसके लिए हम लोग चुनाव लड़ते थे, हारने के लिए चुनाव लड़ते थे। नौजवान साथी वो अलग बात है कि आज हम वो बात भूल गई। हम लोगों के पास चुनाव लड़ने के लिए उस वक्त ताकत नहीं थी, हमारी आवाज सुनने के लिए मदन कौर जी के पास आप जाकर और पूछो। जसोल के अंदर, पाटोदी के अंदर जब मदन कौर जी भाषण देते थे तो एक व्यक्ति भी उनको सुनने के लिए घर से बाहर नहीं निकलता था, सिर्फ वो भाषण देकर वहां से निकल जाता। वो हालात थे उस वक्त भी, हम लोगों ने मजबूती से चुनाव लड़े। चुनाव में हारना जीतना लगातार लगा रहता है, पर इन चुनावों के अंदर जो पुरानी तमाम बातों को वापस लाना, क्या यह सही है या गलत है, मेरा निवेदन है जो सामने चुनाव लड़ रहे हैं उनसे भी मेरा आज चौटन के इस मंच से कहना है कि आप उन बातों को नहीं लेकर आओ, आप अपनी बात को लेकर आओ, अपने मुद्दों को लेकर आओ, भविष्य में आप क्या काम करोगे उनको लेकर आओ, आपकी योजना क्या है वो लेकर आओ। आज इस लोकसभा चुनाव के अंदर आप उतरो, आप उन पुरानी बातों को लाकर ये चुनाव के अंदर आप इस बाड़मेर को क्या बनाना चाहते हैं। जिस तरह से ये गलत बातें, जिस तरह की भावना बाड़मेर के चुनाव में ला रहे हैं, मैं बाड़मेर के 36 गांव को मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सही है गलत है। आप लोग जो गलत तरीके से ये बातें लेकर आ रहे हैं, ये बात लाने का तरीका, इस बात का रास्ता, इस बात की मंजिल बाड़मेर के लिए ठीक नहीं है, किसी के लिए भी ठीक नहीं है। झूठ के आधार के ऊपर ये लोगों को बांटकर बाड़मेर का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या यह सही है गलत है। आप लोगों कोई बात करी नहीं गई, किसी एक कार्यकर्ता ने, किसी एक व्यक्ति ने दूसरे को कोई बात नहीं करी, उसके बावजूद भी यह गलत अकाउंट से, गलत व्हाट्सएप की आपस के अंदर बात को पतंगड़ बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, और किसी और से नहीं जो खुद के चलाए हुए ट्विटर हैंडल से। मैं जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, मैं जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, क्या मकसद है कि आपस के अंदर कैसे भावनाएं भड़के, आपस में एक दूसरे में कैसे टकराव हुए, उस टकराव के अंदर अपने आप का रास्ता ढूंढकर और उस मंजिल तक जाने की प्रयास किया जा रहा है, क्या यह सही है गलत है इसका फैसला आप लोग। एक ही पार्टी, उनकी लड़ाई, उस लड़ाई के अंदर बाड़मेर की वातावरण गलत करना, बाड़मेर का वातावरण गंदा करना, आपस में लड़ाना, विवाद पैदा करना, क्या यह सही है गलत है, फिर आप सब लोगों से निवेदन है तो एक ही पार्टी की एयर भी अभी भी एक ही है बात कह रहे हैं, ऐसी बात थोड़ी है। निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले भी ये बात कह रहे कि मैं पार्टी का हूं, मेरे को अभी तक नहीं निकाला, मैं राष्ट्रवादी विचारधारा का, राष्ट्रवादी विचारधारा के हिंदुस्तान का हर नागरिक है, उसके नागरिकता का जो पहला
अगर आधार और पहला अगर कोई बेमाना है तो उसको राष्ट्रवादी होने पड़ेगा। एक ही पार्टी की बात है, झगड़ा आपका, चुनाव आते रहेंगे। आज 2014 की चुनाव की बात है, हाँ चुनाव उस वक्त भी हुए, वो चुनाव मैं भी हारा, तो जैसे वो चुनाव हुए 6 बजे पोलिंग हुई और चुनाव होने के बाद में कभी जैन केंद्र मैंने वो बात नहीं रखी, किसी के पास बाड़मेर में आकर मैंने वो बात को किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर के ऊपर मैंने वो बात करी या नहीं करी, आप अच्छी तरह से बाड़मेर की जनता से पूछना चाहता हूं, आप फैसला कर लीजिए। आज चुनाव की चर्चा, उस चुनाव का आधार, उसके अलावा दूसरी चीजों की चर्चा और आधार और जो तरीका आप लोग इजाद कर रहे हो, ये बाड़मेर के लिए ठीक नहीं है। आप अपनी नीतियों से करो, अपने विचारधारा से करो। झगड़ा आप लोगों का 2014 में झगड़ा किसका, दो बड़े घरानों का झगड़ा था, एक तरफ जसवंत सिंह जी का, दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया का। उस झगड़े के माध्यम से बाड़मेर के अंदर क्या वातावरण फैलाया गया। हाँ जरूर बाड़मेर के अंदर एक लोकसभा के सदस्य बने, उस झगड़े के अंदर आप लोगों ने एक पक्ष का साथ में देकर वो बना दिया। क्या 5 साल तक लोकसभा का सदस्य आपने माना उनको? अगर इस सवाल का उत्तर कोई चाहता है तो ढूंढ ले, मेरे से अगर कोई ये सवाल करे तो कर्नल सोनाराम जी को एमपी तो बना दिया पर एमपी इन लोगों ने नहीं माना। बात सही है गलत है, बाड़मेर जैसलमेर के तमाम नागरिकों को मैं कहना चाहता हूं, झगड़ा आपका, अहंकार आपका, स्वाभिमान आपका और रंग की भूमि आप बाड़मेर के अंदर बना रहे हो, क्या सही है गलत? आज भी आप लोगों के आपस में विवाद, आपका अहंकार, स्वाभिमान, आपकी हिस्सेदारी और भागीदारी और रंग का मैदान बना रहे हो। जाति को जाति के संदर्भ में आप लोग बात कर रहे हो, धर्म के संदर्भ में आप लोग क्या बात कर रहे हो, विचार और विचारधारा को नजरअंदाज करके आप इस चुनाव को किस दिशा में लेकर जा रहे हो। आता हमको भी सब कुछ है, ऐसी बात नहीं कि हमारे को समझनी है, हमारे पूर्वजों ने संघर्ष से हम लोगों को इतना काबिल बनाया है, वो संघर्ष मेरा नाम बेनीवाल, संघर्ष में पैदा हुआ, संघर्ष करता आया, आज भी इन चुनाव के अंदर कोई लाचारी नहीं है, कोई बेचारापन नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, चौटन की जनता को और बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के लोगों को, वो संघर्ष मैदान राम बेनीवाल आपके लिए करता रहेगा, मजबूती से करता रहेगा, आपकी मुद्दों पर करता रहेगा, मुद्दों की बात करेगा, आपके लिए संघर्ष करेगा, अपना अहंकार, हिस्सेदारी, भागीदारी, गठबंधन, ठगबंधन के अंदर नहीं जाएगा, आपके लिए मजबूती से काम करेगा। मैं आपको विश्वास दूंगा, हमको मुद्दा की बात करनी चाहिए। जब आपने हम लोगों को अवसर दिया है, अगर उस अवसर के अंदर मैंने आज लोकसभा का सदस्य आपने मेरे को बनाकर भेजा, उस लोकसभा सदस्य के तौर के ऊपर मैंने बाड़मेर जैसलमेर में क्या किया, ये सवाल पूछने का हर किसी को हक और अधिकार है, तो मेरा कर्तव्य कि उसका मैं उत्तर दूं। किसान अगर पूछेगा कि आपने हम लोगों के लिए क्या किया तो मेरे पास उत्तर होना चाहिए। पाला और शीतलहर प्राकृतिक आपदा के अंदर शामिल नहीं, पाला और शीतलहर इस हिन्दुस्तान में सिर्फ रेगिस्तानी किसानों की समस्या है, बाकी दूसरे जगह नहीं। आज पहाड़ी इलाके के अंदर, पहाड़ी इलाके के किसान इंतजार करते कि ज्यादा से ज्यादा बर्फबारी कैसे हो, हमारे थोड़ी बहुत भी अगर ठंडी हवा ज्यादा चल जाए जिसको शीतलहर कहते हैं, उससे हमें नुकसान कितना होता है वो हमें बताओ। थोड़ी भी और ज्यादा पड़ जाती है तो दुनिया वालों के लिए वो और कुछ नाम है, हम लोगों के लिए पाला है, उसे हमें नुकसान कैसे होता है वो हम लोगों को पता, उसको उसमें शामिल करा। हवाई अड्डा ये रूपानाम जी बैठे, हवाई अड्डा स्वीकृत कराकर उसी कार्यकाल के अंदर जैसलमेर के अंदर हवाई अड्डा शुरुआत करी, वो अलग बात है कि फीता उन्होंने काटा, उसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाया, उसके अंदर लोगों के बीच में कोई और बात नहीं करी। सिंधी मुसलमान
लोगों को अपना हक और अधिकार दिलाने के लिए ओबीसी के अंदर सिंधी मुसलमानों को केंद्र के अंदर ओबीसी में शामिल किया। अलग बात है गफूर अहमद जी और जो सिंधी मुसलमानों के नेता है उनको आज ये समझ में नहीं आ रही कि बाकी आज संघर्ष कितना हो रहा। पीने के पानी के संदर्भ में बाड़मेर में नहरी क्षेत्र से कहीं भी उस वक्त योजना नहीं आई हुई थी। वो ये योजना बाड़मेर में पहली दफे मोहनगढ़ बाड़मेर लिफ्ट कैनाल से उन 5 सालों के अंदर पानी आया। डिफेंस से भी पैसा लाना पड़ा तो वो निकल आए। रिफाइनरी के संदर्भ में जहां भी जो निर्णय कराना था ना देश के प्रधानमंत्री के सामने पेट्रोलियम मंत्री ने ना किया कि बाड़मेर में रिफाइनरी नहीं आ सकती है। रामसर के अंदर देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री उस वक्त के मुख्यमंत्री जी के सामने उन्होंने मना किया कि बाड़मेर के अंदर रिफाइनरी नहीं आ सकती। इस नाश से थके नहीं आप लोगों की दीवी ताकत का इस्तेमाल कर बाड़मेर जिले के अंदर रिफाइनरी है। जो जैसलमेर भंबार की रेलवे लाइन के संदर्भ में जो बात थी वो स्वीकृत करा कर सर्वे शुरू करा और जब भी जरूरत पड़ी भविष्य के अंदर हम लोगों के लिए हित में क्या हित में क्या उसके लिए बड़ी ईमानदारी से आप लोगों के बीच में बात। कृषि बीमा के संदर्भ में जब योजना के पैमाने बदले मैंने आप सब लोगों के बीच में उस दिन भी बात करी कि जो सैटेलाइट इंडेक्स का जो ये बात कर रहे हैं ग्रीन इंडेक्स उससे सबसे ज्यादा नुकसान किसी का होगा तो अपन लोगों का होगा। मैं कह रहा हूं आप लोग आज से 4 साल पहले कोई भी मेरे फेसबुक के ऊपर लाइव था उस दिन का कर लो या उस दिन का अखबार उठा कर दे कि वे पैमाने में तब्दीली हुई उसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसी का होगा तो अपन लोगों का होगा। अगर अपन एकजुट होकर संघर्ष करते हैं तो ये 4 साल जो अपने को फसल बीमा के अंदर अन्याय हुआ वो अन्याय हम लोगों के साथ नहीं हुआ। 650 करोड़ रुपए का क्लेम टाटा एआईजी का तय किया हुआ क्लेम केंद्र सरकार के अंदर कृषि मंत्रालय के अंदर जाकर जब सुनवाई होती है तो फैसला अपने हक में नहीं होता। उससे पहले भी वो पूरी की पूरी प्रक्रिया पूरी की पूरी हकीकत मैंने आप लोगों के बीच में रखी। इस तरह से एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य दायित्व बनता है कि जो सच्चाई है उस सच्चाई लोगों के बीच में रखे। अपन सबके लिए आने वाले भविष्य के अंदर कौन सी दिशा होनी चाहिए वो समझकर अपने लोगों के बीच में वो दिशा बताए। ये भी जो आयोजन है ये आयोजन भी अब मजबूरी में अपन लोगों को भी करने पड़ेंगे। जिस तरह के ये डीजे जिस तरह की ये चीजें अपने पर रखनी पड़ती थी जानते हम भी हैं। मैं सामने वालों को कहना चाहता हूं जानते हम भी हैं पर हमारे नौजवान की ताकत और ऊर्जा इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लगाना चाहते हैं। अब मजबूरी हम लोगों की भी है बनाई किसने मजबूरी आपका लड़ाई और आपका झगड़ा आपकी आपस के अंदर रिश्तेदारी की जो झगड़ा उसके कारण हमको भी हमारे नौजवानों सबको साथ में लेकर ये डीजे भी बजेंगे दुनिया भी देखेगी ये रीले भी बनेगी सब कुछ जो आप कर रहे हो उनसे कई और गुने ज्यादा बने। कमी हम लोगों के पास किसी की नहीं है। आपका अहंकार है केंद्र सरकार के पैसों का धन का बल का हमको पैसे की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास सब कुछ है आपके मुकाबला करने की। उम्मीदवार राम जी बेनीवाल को कांग्रेस पार्टी मदद नहीं कर सकती है क्योंकि वह जितना भी पैसा है उनका अकाउंट सीज कर दिए गए। कांग्रेस पार्टी को भी देने वाला था वो भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से क्या स्थिति हुए तो डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग सक्षम है किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जो उन पैसों से वो जो करना चाहते हैं अब किसान सक्षम हो चुका है। हम लोग सक्षम है आप लोगों का मुकाबला आपका जो पैसा है उसका भी मुकाबला हम लोग कर लेंगे। ये मैं सामने वालों को कहना चाहता हूं। वो 10-10, 20-20 कैमरा ला रहे हैं ड्रोन ला रहे हैं वॉकी टॉकी ला रहे हैं 4-5 हजार नौजवानों को सिर्फ बाड़मेर ही नहीं उनके बाहर से इकट्ठा करके और दुनिया को दिखा रहे हैं। 4-5 हजार नहीं 50 हजार जनों की भी जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ बाड़मेर जैसलमेर से हमारे पास नौजवान है दुनिया को दिखाने की। ये सब चीज हम नहीं चाहते थे कि चुनाव इनके इन मुद्दों पर इन दिशा के अंदर चुनाव चाहिए।
ये आज आप लोगों ने हमें मजबूर कर दिया। वरना चुनाव किसमें होना चाहिए? अपनी विचारधारा पर होने चाहिए, मुद्दे पर होने चाहिए। क्या किया आपने और क्या भविष्य के अंदर आप करना चाह रहे हो, ये बात लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चुनाव होते हैं और इसका माध्यम अपनी बात होती है, अपने काम होते हैं, अपने विचार होते हैं। पर इनको सबको आप नजरअंदाज करते हैं। जो मोदी जी ऊपर कर रहे थे वही भारतीय जनता पार्टी की ए और बी टीम आज बाढ़ में लोकसभा क्षेत्र के अंदर करना चाहते। मेरा तो आप सब लोगों से ये निवेदन है, इन चीजों को समझो और जातियों के अंदर ये बांटना चाह रहे हैं, आज ये बात कर रहे हैं, जेल फैला रहे हैं ओबीसी के अंदर, किस जाति को हक मिला और इस जाति को हक नहीं मिला। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ओबीसी आरक्षण के अंदर आरक्षण की प्रतिशत बढ़ाने के वक्त में आप कभी भी उनके साथ खड़े रही या नहीं रही? उनके साथ खड़े नहीं रही। विवाद पैदा करने के लिए ये बातें करी जा रही है कि साहब मूल ओबीसी और दूसरी ओबीसी, कभी उनके साथ आप खड़े नहीं, कभी भी खड़े नहीं रही। ओबीसी का हक और अधिकार दिलाने के लिए आप खड़े नहीं रही। उनके वोट चाहिए इसलिए आज आपको वो ये लोग याद आ रहे हैं। उनको ताकत देने की उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी के लिए आपको वो लोग याद नहीं आए। आज राजनीतिक बात हो रही है, सियासती बात हो रही है। आज मैं चौटन के धरती से दुनिया को बताना चाहता हूं, चाहे राजनीति में रहे या नहीं रहे, चुनाव जीते या हारे, कभी भी हम मेघवाल का हाथ छोड़ेंगे नहीं, कभी भी हम मुसलमान का हाथ छोड़ेंगे नहीं, कभी भी हम नाई दर्जी सुनार रबारी जो संख्या में कम है उनका हाथ छोड़ेंगे नहीं। हमारे पूर्वजों ने यह नहीं सिखाया। जब वोटों के लिए हम लोग जय भीम नहीं बोलेंगे, जब फैसला करने की जरूरत होगी, जब इनके हक और अधिकार के लिए हम फैसला करते आए और भविष्य में भी करते रहे। वोटों के लिए हम मुसलमानों को याद नहीं करेंगे, पहले भी वो मुसलमानों को भाई की तरह याद किया, भविष्य में जब तक जिंदा रहेंगे उनको भाई की तरह से ही याद करेंगे। आपस में जोड़ने की राजनीति करेंगे, आपस में तोड़ने की राजनीति नहीं करेंगे। भावनाओं में एकजुट होने की राजनीति करेंगे, भावना भड़काने की राजनीति नहीं करेंगे। हकीकत दिखाने की राजनीति करेंगे, कुछ और कर और दुनिया को हकीकत से परे ले जाने की राजनीति हम लोग नहीं करेंगे। बाकी बातें मेरे से पूर्व वक्ता कर चुके हैं। ये चुनाव में कई सभाएं होंगे, कई आयोजन होंगे, कई चीजें होंगी। हिमाराम जी कई चीजों से हमारे सहमत नहीं है कि हमारे परिवार के बुजुर्ग हैं जो तौर तरीके हम लोग नहीं, तो मैं अब नौजवान 18 साल का मैं हूं और नहीं मैं 75 साल के हिमाराम जी और कर्नल साहब को, तो दोनों चीजें कैसे कर सके, दोनों में सामंजस्य कैसे बैठा सके, उस तरह से अपन लोग चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और बाड़मेर अपने साथ में, छत्तीस कौम अपने साथ में, हमारे पूर्वजों ने जो दिशा हमको दी है सबको साथ में लेकर और बाड़मेर के अंदर उम्मीदवार राम पहलीवाल को एक ऐतिहासिक जीत दिलाकर और काउंटिंग वाले दिन जो पुराना रास्ता रहेगा उस रास्ते पर ही अपन वापस आकर और उस दिशा के ऊपर ही अपन लोग चलना चालू कर देंगे। उस दिन तक आप सब तैयार रहो, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, कोई लाचारी नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। उम्मीदवार राम बेनीवाल जी चुनाव लड़कर आर्थिक तौर पर थक चुके हैं, उन उम्मीदवार राम बेनीवाल जैसे लाखों परिवार अभी तक थके नहीं है। लाखों परिवार के अंदर अभी तक अगर एक एक रुपया भी अपन लोग इकट्ठा करेंगे तो उनके हजारों करोड़ रुपए का मुकाबला अपन ने अपने आप ही करेंगे। और जब कंपनी हायर कर जो आयोजन कर रहे हैं उतने सक्षम अपन लोग भी हो गई है। आपने मुझे दिल्ली दिखाई थी, उससे पहले दिल्ली के फुटपाथ पर भी कोई बैठने नहीं देता। अब दिल्ली भी देख लिए, तौर तरीके भी देख लिए, मुकाबले के लिए आप मजबूती से तैयार हो, एकजुट होकर और अपन मुकाबला करेंगे और अपन जीतेंगे, ये मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।